बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.3, वी विल सॉल्व एन इम्पोर्टेंट थीरम। सैंडविच थीरम इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, रिपीटेड मैनी टाइम्स इन बोर्ड। स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर रजिस्टर्स एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑन दिस रजिस्टर। कंसिडर अ यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओ। Centered at O means its center is represented by O, and this is the line passing through the center. Consider and write on a register. Consider a unit circle centered at O. Now take two points on this circle. This is point A, and this one is point B. Understand? I am repeating again. Consider a unit circle centered at O. Now we have taken two points A and B on the circle. Now draw a perpendicular. Now draw a perpendicular and a tangent from A. This is A point. Now draw a perpendicular. This is perpendicular represented by A, and this point is suppose C. We have draw perpendicular. Now draw a perpendicular and a tangent from this point O. AC represent perpendicular from A, while AD, this is D. This is a tangent line from A. On x axis, so now you have draw a perpendicular and a tangent line from A on x axis at point C and D respectively. Okay, draw connect all points point A with O. And point B with A. I am repeating the explanation again. Consider we have taken a unit cell centered at O. Take two points A and B on the circle. Draw a perpendicular and a tangent line from A on x axis at points C and D respectively. After that we have connected all points. This is the diagram of your theorem. Prove that limit theta approaches to 0, sin theta over theta is equal to 1. When limit theta approaches to 0, it means sin 0, 0 and theta 0, 0 over 0 is not equal to 1. ये equal 1 के नहीं होता, तो हमने इसको prove करना है कि sin limit theta approaches to 0, sin theta over theta is equal to 1 किस तरह से है, right? This is very important theorem available in your textbook on page number 25. I have explained the diagram. I have given you explanation in we have connected all corner points. Now from the figure, in this figure you can see AD is greater than AB and this AB is greater than AC. From the figure, now AD is greater than AB is greater than AC, divided by OA. Now divide this with OA. AD और OA, AB और OA, AC और OA. ठीक है जी, हमने कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन. सो नाउ डिवाइड दिस विद OA. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन. इसको वन कहकर आप साइड पे नोट कर लीजिए. दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन. अब हमने क्या करना है, हमने जो डायग्राम ड्रॉ की थी, ये वाली डायग्राम, इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि AD इज ग्रेटर देन AB एंड AB इज ग्रेटर देन AC. इन राइट ट्राइंगल हम इसके अंदर जो हमारे पास ये डायग्राम हमने ड्रॉ की है, इसके अंदर हम थ्री ट्राइंगल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, इन राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल कौन सी होती है जिसमें कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो. इन राइट ट्राइंगल ओ ए डी, हम ट्राइंगल लेंगे ओ ए डी. ट्राइंगल ओ ए डी, ओ ए डी. इन राइट ट्राइंगल ओ ए डी, और इसमें ये वाला जो एंगल है आपके पास, मैंने राइट किया, ये 90 डिग्री है.
90 डिग्री एंगल है, या आपके पास एंगल थीटा है, एंगल थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है आपके पास, या हाइपोटेन्यूज है, और ये आपके पास क्या है, बेस है। तो इनको आप लोग इसी तरह से राइट करके इनको लर्न कर लीजिए ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। फ्रॉम फिगर यू कैन ईजिली कैलकुलेट ए डी ओवर ओ ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो इन दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ ए डी ओवर ओ ए दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा विद द हेल्प ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए डी। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ओ ए बी फ्रॉम द फिगर ट्राइंगल ओ ए बी, इस ए बी को आप देख सकते हैं एक आर्क है, ठीक है, और ये हमने फर्स्ट ईयर में भी कैलकुलेट किया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, इन ट्राइंगल ओ ए बी वी हैव टेकन ट्राइंगल ओ ए एंड बी, दिस इज एंगल थीटा, वाइल दिस हैविंग यूनिट रेडियस वन, रेडियस एंड दिस इज अ आर्क, इस आर्क को हम लेंथ ले सकते हैं, हम कह सकते हैं ए बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। ये किसका रेडियस है, ये हमारे पास रेडियस है, हमने जो सर्कल लिया था, आर्क लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाई एल एंड रेडियस इज रिटन एस आर, एल इज इक्वल टू आर थीटा एज वी हैव प्रूव दिस इन अवर फिजिक्स, राइट। नाउ इन थर्ड दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने यहाँ राइट एंगल नहीं लिखा, दिस इज अ ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी, ए सी ओवर ओ ए इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हम इन सब वैल्यूज़ को, आपके पास पहली वैल्यू क्या थी, ए डी और ओ इज इक्वल टेंजेंट थीटा, सेकेंड ए बी और ओ इज इक्वल टू जस्ट थीटा, एंड थर्ड वन ए सी और ओ ए इज इक्वल टू साइन थीटा। नाउ योर इक्वेशन बिकम्स एज, आपकी इक्वेशन कौन सी वाली थी, इक्वेशन ये वाली आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ए डी और ओ ए इन रिप्लेसमेंट ऑफ ए डी और ओ ए आप राइट कर सकते हैं टेंजेंट थीटा, ए बी और ओ ए जस्ट थीटा, ए सी और ओ ए साइन थीटा। तो ये वैल्यूज हमने राइट कर ली, टेंजेंट थीटा इज ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा, ठीक है। एस यू नो वी आर गोइंग टू प्रूव द सैंडविच थ्योरम, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, ये हमने प्रूव करने जाना है कि किस तरह से हमारा प्रूफ हुआ। नाउ आफ्टर पुटिंग वैल्यूज डिवाइड दिस बाय साइन थीटा, टेंजेंट थीटा और साइन थीटा, थीटा ओवर साइन थीटा एंड साइन थीटा और साइन थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल साइन थीटा और कोस थीटा, आई हैव रिटन हियर साइन थीटा और कोस थीटा, एंड साइन थीटा इज ऑलरेडी इन डिनोमिनेटर, थीटा और साइन थीटा एज इट इज, व्हेन साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट इज इक्वल टू वन, सो साइन थीटा विद साइन थीटा कैंसिल आउट, जस्ट हियर वन और कोस थीटा, वन और कोस थीटा इज लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा इज लेस देन वन। इस स्टेप को बेटा दोबारा सुन लीजिए, साइन थीटा साइन कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर कोस थीटा थी हमारे पास, कोस थीटा इज ग्रेटर देन थीटा और साइन थीटा इज ग्रेटर देन वन। इसके बाद मैंने डायरेक्ट स्टेप किया था जिससे कन्फ्यूजन हो सकती है, आप ऐसा करें इसके बाद ये स्टेप भी राइट कर लें कि रिमेनिंग टर्म्स आपके पास वन और कोस थीटा इज ग्रेटर देन थीटा और साइन थीटा इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करें, इसको इन्वर्स कर दें, रेसिप्रोकल ले लें। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रेसिप्रोकल लेते हैं, आपके पास कोस थीटा वन और कोस थीटा चेंज इनटू कोस थीटा, थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि हमें थीटा ओवर साइन थीटा नहीं चाहिए अपने प्रूफ में, हमारी रिक्वायरमेंट है साइन थीटा ओवर थीटा, इसलिए हम इस स्टेप को करने के बाद पहले ये स्टेप राइट करेंगे कि जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है उनको राइट करेंगे, फिर इस स्टेप का रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो वन ओवर कोस थीटा इज रिटन एज कोस थीटा, थीटा ओवर साइन थीटा इज रिटन एज साइन थीटा ओवर थीटा एंड वन एज इट इज़। और जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये जो हमारी आप ये देख रहे हैं, पहले वन और कोस थीटा ग्रेटर देन है, तो ये भी क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाती हैं, ग्रेटर स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोस थीटा इज लेस देन साइन थीटा और थीटा इज लेस देन वन। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, अप्लाई थीटा अप्रोचेज टू जीरो, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है, हमारा प्रूफ क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो। आप देख सकते हैं आपका प्रूफ है, प्रूफ दैट लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो। हम साइन थीटा और थीटा तो अब ले आए हैं, लेकिन लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो,
लिमिट थीटा अप्रोचेज जीरो कोस थीटा, कोस जीरो वन वन राइट कर दिया हमने. लिमिट थीटा अप्रोचेज जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज लेस देन वन, यहाँ पे आपके पास वन आ चुका है. और लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो साइन थीटा और थीटा इज लेस देन वन. अब इसको अंडरस्टैंड करें, ये जो सारा थीरम हमने किया है ना, इसको सैंडविच थीरम नहीं कहते. सैंडविच थीरम तो हमने अब अप्लाई करना है. ये हमें ये शो करती है, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन रिटन है यहाँ पर, कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो साइन थीटा और थीटा इज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन वन. कोई भी चीज़ एट अ टाइम उसी से बड़ी और छोटी नहीं हो सकती. अब यहाँ पे ये कि ये जो हमारा सेंटर में है, लिमिट थीटा अप्रोचेज जीरो साइन थीटा और थीटा, ये वन से ग्रेटर भी है और वन से स्मॉलर भी है. अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए कि कोई हमारे पास जो है फंक्शन है वो वन से बड़ा भी है और वन से छोटा भी है एट अ टाइम, तो उस वक्त हम सैंडविच थीरम यूज़ करते हैं. सैंडविच थीरम क्या कहता है कि ना तो वो उससे छोटा है ना वो उससे बड़ा है, बल्कि वो क्या है, उसके इक्वल है. दिस इज़ नोन एज सैंडविच थीरम. सो नाउ बाई यूजिंग सैंडविच थीरम, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू वन, ये स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन को हमने यहाँ से ख़त्म करके हमने इक्वल टू वन कर दिया, ये हमारा कहलाता है सैंडविच थीरम. इस ये सिंपल मेथड है सैंडविच थीरम को प्रूव करने का. सो काइंडली इट्स योर होमवर्क, प्रैक्टिस एटलीस्ट टू टाइम दिस थीरम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.